गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रेसिडेंट HCAP। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता ही है कि मौजूदा समय में हरियाणा फिजियोथेरेपी काउंसिल को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। एक्ट बन चुका है और उसी पर कल हम लोगों ने मीटिंग भी की थी कि हमें उसके खिलाफ लीगल जाना चाहिए, तो जिसमें काफ़ी आम फिजियोथेरेपिस्टों की सहमति बनी भी थी। लेकिन आज हमेशा से फिर से जो होता आ रहा है कि जब भी शायद कहीं ना कहीं से मानसिकता मान लिया जाए कि जब भी डॉक्टर आर के मुदगिल या HCAP कुछ भी करेगी तो पीछे पीछे उसका विरोध हमें करना ही है, ऐसा कुछ लोगों ने मन बना लिया है, तो उसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि इतने दिन से हम वेट कर रहे हैं, IAP ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था, लेकिन जैसे ही कल हमने मीटिंग की, लीगल ओपिनियन की बात रखी, तो IAP अपना स्टैंड क्लियर करने आई और बड़ी अच्छी बात है, चलो पीछे पीछे ही सही, लेकिन IAP ने स्टैंड तो क्लियर किया। फिर दूसरी बात आती है कि IAP ने जब स्टैंड क्लियर किया तो उनकी तरफ से एक मिस्टर विनोद कौशिक जो कि हैं वो बोल रहे हैं, मैं यहाँ नाम लेना पसंद करूँगा क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग, ऐसा कुछ लोग नहीं होता है, या तो यस या नो या एक्स या वाई, हर आदमी का एक नाम है। तो यहाँ विनोद कौशिक जी ने बतौर ऑफिस बेयरर IAP के ये अनाउंस किया है कि द IAP स्टैंड इज़ क्लियर एंड इट्स रियली अ गुड स्टेप। हाँ, नो डाउट, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि सरकार ने काउंसिल बनाई और हमारी इतने हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों की लंबी मेहनत सफल हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट के जब काउंसिल आएगी तो डिक्रीज क्वैकरी बिकॉज इट्स कलेक्ट डाटा एंड डिफरेंशिएट द क्वैक्स एंड द क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। तो सर, एक बात बताऊँ आपको, एक तो आप ये इमोशनल गेम ना खेलें लोगों के साथ। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि काउंसिल क्या करेगी, मुद्दा ये है कि मौजूदा प्रारूप सही है या नहीं है। तो पहली बात, चलो आपको जवाब दे देता हूँ, जिस आप क्वैकरी की बात कर रहे हैं, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले कितने सालों से भारत में काम कर रही थी, अभी उसको डिजोल्व करके नया बोर्ड भी बना दिया गया है, लेकिन आज तक भी मेडिकल फील्ड में भी क्वैकरी पूरी तरीके से नहीं रुक पाई है। यानी कि काउंसिल क्वैकरी रोकने के लिए कानून बनाती है, काउंसिल उस क्वैकरी को रोकती नहीं है, सिर्फ कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना आप जैसे लोगों की, हमारे जैसे लोगों की जिम्मेवारी होती है। तो ये तो पॉइंट आप इसको रहने ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपने पॉइंट उठाया कि वैकेंसी, कि जितना जल्दी काउंसिल बनेगी वैकेंसी क्रिएट होगी। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ हमारे फिजियोथेरेपिस्टों को कहना चाहूँगा, ये जवाब बेसिकली IAP को नहीं है, ये आप तमाम फिजियोथेरेपिस्टों के लिए एक अवेयरनेस की तरह है, इसको आप एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह लें अपने साथ। वैकेंसी की उन्होंने बात की तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दिल्ली फिजियोथेरेपी काउंसिल सन 1997 में बन चुकी थी, सबसे पुरानी काउंसिल है हमारी, और भी बहुत सारे स्टेट में फिजियोथेरेपी काउंसिल आज की डेट में है। कितने स्टेट में काउंसिल बनने के बाद वैकेंसी निकली है, काउंसिल की वजह से कितने लोगों को नौकरी मिली है, क्या इस बात का जवाब है आपके पास? नहीं होगा, क्योंकि आप फील्ड वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ कैमरे पे आके वीडियो बना के बात को बोल के निकल जाते हो, लोगों में एक रूमर क्रिएट करते हो, इवन जो बेचारे इनोसेंट स्टूडेंट है उनके लिए एक माइंड में एक ओरा क्रिएट कर देते हो कि पता नहीं ये तो ना हो जाएगा वो तो ना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है किसी भी काउंसिल ने आज तक, काउंसिल मैंने फिर से वही कहा, काउंसिल रिकमेंडेशंस देती है, ना कि काउंसिल जॉब वैकेंसी क्रिएट करती है, वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन देती है, एटलीस्ट वैकेंसी तो सरकार ही निकालती है। तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं, राजस्थान की मैं बात करूँ तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब टाइम टू टाइम निकलती रहती है, वहाँ तो अभी तक काउंसिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे वो स्किल कम है या ज़्यादा निकलती रहती है। हरियाणा में तो बहुत कम है, वैकेंसी है ही नहीं, तो क्या काउंसिल आने के बाद वो रातों रात निकल जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज़, सैलरी स्केल की आपने बात रखी, कौन से हिंदुस्तान की कौन सी काउंसिल सैलरी स्केल डिसाइड करती है? वो करती है, रूल बनाएगी ना, रूल ही तो बनाएगी, रूल बना के रखेगी, लेकिन उसको फॉलो करा ना करा इस बात को कौन ध्यान देता है? आज भी MCI के बनाए हुए रूल से कितने लोगों को, UGC की मैं बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पूरे देश को एक सिस्टम दिया, पूरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक रूल बनाया कि मिनिमम सैलरी पैकेज इतना रहेगा एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मेरे साथी एकेडमिक में बहुत ज़्यादा लोग होंगे और आप स्टूडेंट्स को भी पता होगा, क्या आपकी फैकल्टियों को उतनी सैलरी मिलती है जितना UGC ने डिसाइड की है? नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि काउंसिल ने तो रूल बना दिया, UGC ने तो रूल बना दिया, लेकिन उसको फॉलो कौन करवाएगा? फिर हमें ही लड़ना पड़ेगा, फिर विरोध करना पड़ेगा। हर आदमी विरोध नहीं करता है, प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जैसे लोग क्यों बोल पाते हैं, समस्या यही है कि आप जैसे लोग इसीलिए बोल पाते हैं कि लोग सामने विरोध में नहीं आते हैं, यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। अगर लोग विरोध करना शुरू कर दे तो आप बोलना बंद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, फिर उसके बाद आपने कहा कि जैसे ही काउंसिल बनेगी लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और विद इन अ वन ईयर ये सब हो जाएगा। तो विद इन अ वन ईयर सर, ऐसा पिछली काउंसिल से आप उठा के देख लें कि कितने कितने स्टेट में विद इन अ वन ईयर ये सब हुआ है। जम्मू कश्मीर में आज तक काउंसिल नहीं है, लेकिन एक बार वहाँ फिजियोथेरेपिस्टों ने प्रोटेस्ट करके अपने लिए बहुत सारी वैकेंसी क्रिएट करवा ली थी और बहुत सारे पुराने फिजियोथेरेपिस्ट गवाह हैं इस बात के, तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, आपका मन है, आपका वीडियो, आपका कैमरा, आप कुछ भी बोल दें, चलता है।
फिर आपने आप सरकार से एक कदम आगे भी निकल गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो शायद अभी तक मुख्यमंत्री साहब को नहीं पता होगा, जो आपको पता चल गया गलती से। आपने यहाँ ये भी डिक्लेयर कर दिया अपनी वीडियो में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है काउंसिल का, जो कि असल मुद्दा था, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फिजियोथेरेपिस्ट लिए जाएंगे, वो उसमें लिखा ही हुआ है एक्ट के अंदर के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से एक एक फिजियोथेरेपिस्ट नॉमिनेट किया जाएगा टीचिंग फैकल्टी के अंदर से, नो डाउट किया जाएगा। लेकिन आपने तो यहाँ नाम भी डिक्लेयर कर दिए हैं कि JJU, PGI और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, यानी कि कमाल है। ये बात आपको पता चल गई, अभी तक शायद सरकार को नहीं पता होगी। शुक्रिया आपका ये बात हमें बताने के लिए, क्योंकि आपने नाम ही डिक्लेयर कर दिए हैं, जबकि अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया। सरकार ने बोला है कि एक होगा हर एक इंस्टीट्यूशन से, अब वो हर एक में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है उसने अभी तक मेंशन नहीं किया, बट कोई नहीं, आपको पता है, अच्छी बात है। उसके बाद 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होंगे, डेफिनेटली होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, दो ही हम सबको पता ही है। तो उन्होंने कहा कि जो आप फ्यूचर में है ना, इसके लिए फाइट करेंगे। अरे आप आज ही फाइट नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में क्या फाइट करेंगे? अगर ऐसे ही फाइट करने वाले हो तो आप तो IAP से हो ना, IAP की ब्रांच दिल्ली में भी तो होगी। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ भैया, दिल्ली या काउंसिल में इलेक्शन करा के दिखाओ ना, क्यों नहीं लड़े आज तक तुम लोग वहाँ दिल्ली में? किसको सैलरी स्केल अच्छा मिल गया? दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्टों की हालत पूछो, वहाँ भी आज भी बेचारे जो जूनियर है ना, उनका शोषण हो रहा है क्लिनिक्स के अंदर, उनको कोई सैलरी दे के खुश नहीं है। वहाँ तो काउंसिल है ना, और एक अकेली दिल्ली की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी काउंसिल ऐसी हैं, बहुत कम काउंसिल ऐसी हैं जहाँ सुदीप काले जैसे लोग महाराष्ट्र में एज ए प्रेजिडेंट बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो वहाँ प्रेजिडेंट ना होते तो शायद वहाँ के लोग डॉक्टर लगाने को भी तरसते अपने नाम के साथ। ये होता है काउंसिल का काम, काउंसिल रूल बनाती है, लेकिन अफसोस आपको ये पता नहीं है। उसके बाद आप बोलते हैं कि काउंसिल आएगी तो अपग्रेडेशन आएगा, फ्यूचर अच्छा होगा, सिक्योरिटी आएगी, डिग्निटी आएगी, क्वैक रिस्टॉप होगी। तो ये ऑल फैक्ट्स आर नल एंड वॉइड, ऐसा कुछ नहीं होता। काउंसिल रूल बनाती है, लड़ना फिर भी आप जैसे मेरे जैसे लोगों को ही पड़ता है सही के लिए। फिर एक और साहब है हमारे उदय यादव जी, बोलते हैं कि 4 साल पहले आ जाती काउंसिल। अरे सर, 4 साल पहले क्या आप IAP की तरफ से मुझे कोई एक भी कागज दिखाएंगे जो 4 साल पहले का हो आपका? मेरे पास यहाँ सामने खुला हुआ है ड्राफ्ट, जो माननीय विद साहब को हमने सुपुर्द किया था, उन्हीं के कहने पे बना के काउंसिल का, 12/1/2016 की एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें हमने ये ड्राफ्ट के लिए डिसाइड किया था। विद साहब ने हमसे ड्राफ्ट मांगा था और हमने ड्राफ्ट उनको दे दिया था। तो ये डिले हमने नहीं किया है, और जो पिछली बार भी गलत बन रही थी उसका विरोध 1600 लोगों ने किया था, 1600 मेल आई थी पूरे देश से, सिर्फ अकेला मुदगिल नहीं था। अगर वो इतनी ही अच्छी चीज़ थी तो 1600 लोगों ने विरोध क्यों किया? पर आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने RTI लगाई नहीं ना उसके ऊपर, लगाते तो शायद पता चल जाता। आपने कहा कि वैकेंसी, वही आपने हिंदी में रिपीट किया उसको, खैर जो कि कौशिक साहब ने इंग्लिश में किया था, आपने भी वही बोला, वैकेंसी आएंगी, सैलरी स्केल बढ़ेगा। और आपने एक चीज़ नई बड़ा अनोखा बात आपने बताया कि जो लोग 2016 में डिग्री करके बैठे हैं वो पहले ही लेट हो गए हैं, वो ओवर एज हो जाएंगे, वैकेंसी निकलेगी तब तक। तो अरे काउंसिल बनते ही वैकेंसी आ जाती है क्या? यही बात इसी वीडियो में मैं भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से सुनो, फिर से ध्यान से समझो, जहाँ काउंसिल है वहाँ कितनी वैकेंसी आई पहले इसका डाटा निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा। खैर, क्योंकि आप लोगों की, अच्छा, सैलरी इन प्राइवेट क्लिनिक, ये डिसाइड कर देगी काउंसिल? काउंसिल मिनिमम वेजेस डिसाइड कर सकती है, लेकिन देंगे तो आप लोग ही ना। आप अपने जूनियर को सैलरी कम देंगे तो उसमें काउंसिल क्या करेगी? वो जूनियर अगर शिकायत ही नहीं करेगा आपके खिलाफ तो काउंसिल उसमें क्या करेगी? और जूनियर बेचारा शिकायत करने के लिए कैपेबल होता तो शायद आज आप लोग इतना बोलते ही ना। प्रॉब्लम पता है क्या है, इन संगठनों ने उल्लू बना रखा है लोगों को। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मेरे एक तीसरे भाई भी हैं जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी उनकी चल रही है, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बार बार उन्होंने एक शब्द कहा कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। सर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, मेरे भाई, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ राजनीति जैसा मुद्दा ही नहीं है। आप जितने लोग यहाँ इस बारे में बात करो ना, आपको ये भी नहीं पता कि काउंसिल में जो लोग चुने जाएंगे उनको सैलरी नहीं मिलती होती, ये मैं बता देता हूँ। वहाँ जाने के लिए कोई क्यों छटपटाएगा? वो एक सामाजिक काम है, सिर्फ मीटिंग्स के TADA मिलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट होती हैं वो। दूसरी बात सुन लो, 3 लोग, आप खुद ही तो कह रहे हो ना, 3 लोग टीचिंग इंस्टीट्यूट में से जाएंगे प्राइवेट में से। तो एट प्रेजेंट आई एम अकेडमिक फैकल्टी, मैं एक टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ, तो एक तो मेरा नॉमिनेशन के लिए रास्ता साफ है, सीधी सी बात है। जितना टाइम मैं आप लोगों के साथ यहाँ वेस्ट करूंगा, इतने देर में तो मैं कोई सिफारिश ढूंढूंगा नॉमिनेट होने के लिए, है ना। दूसरी बात, इलेक्टेड भी 2 पोस्ट हैं, आज या कल होंगी, कोई बात नहीं, अगर मेरा मन होगा मैं इलेक्शन ना लड़ लूंगा, क्यों माथापच्ची करूंगा मैं इस मौजूदा ड्राफ्ट के साथ? क्यों छेड़छाड़ करने की बात कर रहा हूं, क्यों लड़ने की बात कर रहा हूं? फैक्ट क्लियर है,
नॉमिनेटेड की संख्या ज्यादा है, इलेक्टेड की संख्या कम है, और जब तक इलेक्टेड की संख्या ज्यादा नहीं होती तब तक डेमोक्रेसी नहीं बचती। ये आपको मंजूर होगा कि ब्यूरोक्रेट्स अच्छा करेंगे। मैं ये नहीं कहता हर ब्यूरोक्रेट्स खराब है। डीजीएचएस हेल्थ झा साहब, उन्होंने जब मेरी मीटिंग हुई उन्होंने क्लियर बोला था कि यस यू आर राइट, इसमें डेमोक्रेटिक संगठन होना चाहिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट को बाय द इलेक्टेड आना चाहिए। लेकिन फिर भी उनके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेट्स भी थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। लेकिन ये फैक्ट आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं होते हैं, और पता भी होते हैं तो आप लोगों को बताना नहीं चाहते। आप लोगों को क्या इमोशनल गेम खेल रहे हैं, इमोशनली ड्रामे वाली चीजें बता रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं रूट को कि पॉलिटिकली पॉलिटिकली पॉलिटिकली। अरे भैया पॉलिटिकली जाना है तो सीधी सी बात है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा मेरे भाई, वहां मेहनत करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट पहले चुनाव लड़ सकता था, आगे फिर लड़ लूंगा, क्या बात हो गई। काउंसिल को पॉलिटिक्स से मत जोड़ो, मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरा, अच्छे लोग भी हैं, आप ये मत बोलो आप हरियाणा के पूरे फिजियोथेरेपिस्टों को कैटर नहीं करते हैं। आईएपी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में तो एटलीस्ट नहीं है, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी नीतियों से कितने खुश हैं कितने नहीं है वो सबको पता है। अब मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ अपने तमाम हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्ट साथियों के लिए, इन शॉर्ट मैं अपनी बात खत्म करते हुए, क्योंकि अक्सर मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि फैक्ट ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम ये है, और इन लोगों के पास फैक्ट कम होते हैं तो जल्दी से काम निपटा के निकल लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये लड़ाई हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों की है। अगर आप इन संगठनों के भरोसे बैठे हैं तो भूल जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट, अभी मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया, आज तक वहाँ आईएपी होने के बावजूद इलेक्शन नहीं करा पाई है, आज तक काउंसिल का इलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ, जबकि उस एक्ट में लिखा हुआ है दिल्ली के एक्ट में कि उनका प्रेजिडेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है। लेकिन क्या बना? अरे ये वही लोग हैं जो वहाँ तो अमेंडमेंट नहीं करा पाए हैं, यहाँ कह रहे हैं कि एक टेन्योर गुजर जाएगा उसके बाद अमेंडमेंट करा लेंगे, यानी कि ना तुम्हें इधर का छोड़ेंगे ना तुम्हें उधर का छोड़ेंगे। भैया मुझे पर्सनल कोई दर्द नहीं है, जो बन रहा है अच्छा बन रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ड्राफ्ट सबमिट किया था सरकार को, सरकार ने उसको मान लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर बदला है सिर्फ, लेकिन उसको ठीक है बदला है, उसमें भी जो एक अमूमन जो उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास के लिए जो भी रास्ते हैं, चाहे वो बातचीत का रास्ता है चाहे वो कोर्ट का रास्ता, वो अपनाए जाएंगे, हम दोनों रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं एक चीज़ और भी कहता हूँ, देखिए मुझे पर्सनल यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये लड़ाई हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों की है। अगर आप सारे लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं, मैं लड़ने को तैयार हूँ, फ्रंट फेस बन के लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़ना ही नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तसल्ली मिल गई है गलत चीज़ लेके तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी गलत चीज़ लेके। लेकिन एक गलत काउंसिल होने से तो काउंसिल का ना होना ज़्यादा बेहतर है। जिस स्टे की ये लोग बात करें, स्टे हो जाएगा स्टे हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, इतने साल काउंसिल नहीं बनी तब कुछ हुआ? या इतने साल से जहाँ जिन स्टेट में काउंसिल है वहाँ कुछ हुआ? काउंसिल का होना या ना होना सिर्फ रूल फ्रेमवर्क पे इफेक्ट करता है, इसके अलावा हर संगठन के लोगों को अपने संगठनों के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। एमसीआई तक को डिसॉल्व कर दिया सरकार ने जब वो करप्शन में हावी हो चुका था उनके अंदर। तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, बात किसी एक काउंसिल की नहीं है, वो हर जगह है, हर एसोसिएशन में है, हर 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 समाज के हर हिस्से में है। तो सिंपल सी बात एक है दोस्तों, अब ये लड़ाई देखिए, क्योंकि एक स्टैंड क्लियर हो चुका है आईएपी का, दूसरे मेरे साथी जो हैं वो पीएच के एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है, और उन्होंने तो इसको पॉलिटिक्स से डिक्लेयर कर दिया है, और पीएच के जो प्रेसिडेंट है मेरी उनसे बात हो चुकी है, शाम तक वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे, तो वो जो भी उनको ठीक लगेगा। लेकिन अब मैं एक चीज़ क्लियर कहना चाहता हूँ, एचसीएपी आईएपी पीएच इन तीनों के भरोसे बर्बाद होने से अच्छा है अपनी लड़ाई खुद लड़ लो, ठीक है? उस लड़ाई में क्योंकि एचसीएपी यहाँ लीड करना चाह रही है, आप लोगों का साथ देना चाह रही है, तो इसके साथ आ जाओ। जो लोग ये समझते हैं कि ये बात सही है, रास्ता सही है, वो लोग ऐसी बात नहीं है, जुड़ भी रहे हैं, कल मीटिंग में भी काफ़ी लोग जुड़े थे, और ऐसी बात नहीं, हम जुटा लेंगे अमाउंट अच्छा खासा जिससे हम लड़ भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो मेरे साथी जुड़ना चाहें वो जुड़ें, जिनको नहीं लगता ना जुड़ना तो ना रहें, लेकिन ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, बात खत्म, अकेला मुदगिल इसमें क्या करेगा। लेकिन हाँ, एचसीएपी डॉक्टर आर के मुदगिल का ये स्टैंड क्लियर है, वन वर्ड स्टैंड है, वी वांट काउंसिल विद अ फुल डेमोक्रेटिक मोड, जिसमें चुने हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो ताकि वो बात रख पाए। क्योंकि कभी भी एक नॉमिनेटेड सदस्य, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट से हो, वो बिल्कुल दिल से अच्छा भी करना चाहेगा नो डाउट, लेकिन उसके ऊपर का अधिकारी प्रेजिडेंट कौन है? डीजीएमईआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अपने अधिकारी के बात का विरोध करने का क्या वो वहाँ दम रखता है या नहीं रखता है? क्योंकि उसको भी गवर्नमेंट जॉब करनी है भाई, अधिकारी को जवाब देना है, इसलिए नॉमिनेटेड लोगों की वहाँ जरूरत ज़्यादा।
नहीं है, इलेक्टेड लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, या दोनों का रेशियो बराबर रखने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी अगर उसके अंदर भी वोटिंग होने लगे, किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी नया क्लोज बनेगा तो वोटिंग हो, तो कम से कम एटलीस्ट वो वोटिंग फेयर हो, अदरवाइज तो वो चुपचाप हो जाएगी, जो बॉस ने बोल दिया तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो दोस्तों लड़ाई आपकी है, आप लोगों अगर लड़ने के लिए मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो रोज़ 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 जितनी हम बातें करेंगे कुछ निकलना है नहीं, यहाँ अपना टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे। और इन लोगों की पॉलिसी बेसिकली होती भी यही है कि बस टांग पकड़ के खींच लो ताकि टाइम वेस्ट हो जाए। मेरी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, मेरा विज़न क्लियर है, सड़क सीधी है, जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, अचीव भी करेंगे। ये लोग जो आज ये कह रहे हैं कि कल इसको चेंज किया जा सकता है, ये सीधे सीधे आपको बरगला रहे हैं। अगर ये ऐसे चेंज करने वाले होते तो बहुत सारी स्टेट में IAP की ऑलरेडी, हरियाणा में तो अब ब्रांच बनी है, दिल्ली में तो बहुत पहले से फंक्शनिंग में है, लेकिन आज तक वहाँ चेंज हुई? अरे पूरे देश में काउंसिल बना ली इन्होंने। लेकिन ठीक है, इनको बातें आती हैं, बातें अच्छी आती हैं, कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों का फैसला है, आप पे ही छोड़ रहा हूँ। अकाउंट नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया था, जो लोग मेरे साथी सहयोग करना चाहें उनका स्वागत है। अगर आप मजबूत करेंगे तो हम डेफिनेटली इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।